सरकार 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार का वायदा करके सत्ता में आई, मगर अफसोस की बात कि आज बेरोजगार सड़कों पर है और इस सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को मजबूर करने के लिए कि वो बेरोजगारी की समस्या का तत्काल समाधान करे, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए काम की बात करे, पलायन को रोके और उनको घर में रोजगार मुहैया कराए, इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाए। इसीलिए आज कांग्रेसी अपने बेरोजगार भाइयों के समर्थन पर सड़कों पर हैं। आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं और इस लड़ाई को जब तक कि ये सरकार बहरी गूंगी सरकार जाग नहीं जाती है या इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं, तब तक इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। सर, इस सरकार को जैसे पूर्ण हो चुके हैं और इन्होंने जिस प्रकार से सत्ता में आने से पहले जो बेरोजगारों को रोजगार देने की जो क्या कहते हैं एक मुहिम छेड़ दी कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, आज के समय में हम हर वर्ष कई लाखों बच्चे उत्तराखंड से ग्रेजुएट हो रहे हैं और हर संस्था को इन्होंने प्राइवेट किया जा रहा है और क्या कहते हैं ये लोग रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम बहुत टाइम से हर जगह के चक्कर काटते जाते हैं मगर हमें रोजगार के नाम पे खाली खाली कागजी कार्रवाई की जाती है बस।